कंटिन्यू करते हैं, ये सब क्वेश्चंस करके आए हो ना? यस सर, यस सर। चलो अब फटाफट थर्ड का आंसर बताओ। समेशन 10 से यार 0 से 10 0 0, समेशन अल्टरनेट प्लस माइनस है बट 12 तक ही जा। तो एक बार पैटर्न देख लेते हैं, 13c0 - 13c1, फिर r को 12 रखने तक प्लस वाला टर्म आ रहा है 13c12, किसको मिस कर रहे हैं? 13c13 को, करेक्ट ना? यस सर। और ये जो सर्कल किया है अब उसकी वैल्यू कितनी है? 0 0, तो 0 प्लस 13c13 आंसर है, दैट इज फाइनल आंसर 1। फोर्थ तक किसी को डाउट? नो सर। तो कैन आई से अब ये माइनस वन की पावर आर देख के पहचान जाओगे कि तो अल्टरनेट प्लस माइनस वाला होता है? यस सर। यस सर। चलो फिफ्थ वाला कंटिन्यू करते हैं। यस सर। ओके बच्चे, 2R है, थोड़ा सा एक्सपांशन करोगे तो ही फील आ जाएगी, अच्छा ये तो इवन सीरीज है और पूरी कंप्लीट सीरीज, टू पावर 19। तो 2 की पावर 19 आंसर आ गया। अच्छा ये भी इवन सीरीज है बट ये कंप्लीट है या नहीं है? नॉट कंप्लीट। नहीं, नॉट कंप्लीट। 16 तक ही है। प्लस 18, 17 माइनस 1। क्या बच्चे क्या बोल रहा है? 2 पावर 17 माइनस 1 16। हां करेक्ट करेक्ट। So therefore answer is 2 की पावर 17 माइनस 1। सिक्स्थ भी हो गया, फिनिश करते हैं। ये इवन, ये ऑड सीरीज है, 19C1, 19C3 till 19C19, अच्छा कंप्लीट है। So answer हो गया 18, बिल्कुल सही। चलो और ये क्या है, 7C1 से चालू कर रहा हूँ मैं, देख रहे हो ना थोड़ा? Yes sir। 3 plus 17C5, अच्छा ऑड सीरीज है, स्टार्टिंग प्रॉपर नहीं है और 15 एंडिंग भी प्रॉपर नहीं, एंडिंग भी प्रॉपर। तो कितना आंसर है? से 2 पावर 16 माइनस 17 सी 1 माइनस 1। बिल्कुल सही, 2 की पावर 16 माइनस 2, क्यों? 17 सी 0 भी हटाना है और 17 सी 17 भी हटाना है, और 17 सी 0 नहीं 17, अच्छा मैंने गलती कर दी, 17 माइनस 18 आना चाहिए, 2 की पावर 16 माइनस 17 सी 1 माइनस 17 सी 17 माइनस 2 की पावर 16 माइनस 18 इज द आंसर, करेक्ट बच्चों? यस Yes, sir. क्या ये 1 to 8 सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो कॉपी करना हो तो 10 seconds है तुम्हारे पास। Anything you want to copy, 10 seconds. देखेंगे उसको। या आई नो बच्चे, बट देखेंगे उसको अभी, उनको डायरेक्टली ग्रुप पे। ओके कैन वी मूव फॉरवर्ड एवरीवन? ओके चलो ये क्वेश्चन मेरे साथ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम कर लेना, सी हियर विथ मी 21 CR। ओके स्टार्ट करते हैं, टेल मी द एक्सपेंशन ऑफ इट, बोलो। 21C0 प्लस 21C1 डॉट 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 0 प्लस 21C1 और कहां तक है? 21C10 तक है। क्या सबको समझ में आ गया? ये तो हाफ सीरीज है। यस यस, हाफ सीरीज है, मतलब ऐसा कोई डायरेक्ट फार्मूला तो बताया नहीं है, बट तुम स्मार्ट हो, गेस कर लिया होगा किसका कांसेप्ट है, किसका यूज आएगा। कम ऑन, हाफ सीरीज। यस सर। सोचो सोचो किसका कंसेप्ट यूज आएगा, बताओ फिर। नोबडी सर, प्लस माइनस करके। नहीं प्लस माइनस तो ठीक है, ऐसे 11 टर्म प्लस माइनस कौन करेगा? हाफ सीरीज है, 21C21 को मिस कर रहा है। फ्लिपिंग। बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। कभी भी हाफ सीरीज हो तो ऑलवेज थिंक अबाउट फ्लिपिंग, ऑलवेज थिंक अबाउट फ्लिपिंग। And start with complete series of the same pattern. Start with complete series, same pattern. Same pattern क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे हर टर्म वाला है, बट कभी even series, कभी odd series भी हो सकती है ना बच्चा? हाँ है ना? Yes sir. हाँ. Yes sir. तो ये complete series है, तो इस complete series को हम full series, मतलब sorry complete terms, मतलब every term है,
उसकी कंप्लीट सीरीज से चालू करेंगे। देखो मिडिल के टर्म जरूर लिखो 21C11 एंड लास्ट के दो टर्म लिख लो तुम समझ जाओगे 21C20 प्लस 21C21 इसका आंसर क्या है नालायको? अब मैं फ्लिपिंग कराऊंगा फटाफट मेरे साथ देख लो यार दिस इज सेम एज दिस सबको दिख गया कि ट्वाइस ऑफ सी नॉट प्लस सी वन प्लस अप टू सी टेन आ जाएगा जिसका आंसर 2 की पावर 21 आ जाएगा सो तुम्हारा आंसर हो गया 2 की पावर 20 क्लियर बच्चों फटाफट कॉपी करो फिर सिमिलर क्वेश्चन तुम करोगे हाफ सीरीज थिंक ऑफ फ्लिपिंग एंड स्टार्ट विद कंप्लीट सीरीज ऑफ द सेम पैटर्न कोई डाउट किसी को पर वो 5 लिखा है ना उसके ऊपर टेंथ वाला तो आई एम श्योर बहुत फटाफट कर लोगे फिर जल्दी से 11th का आंसर बताओ 10th का तो ठीक है सो हाफ सीरीज में हम बोल सकते हैं कि आंसर 2n-1 होगा 2 पावर n-1 नहीं कर 10th कर 11th कर फिर बात करेंगे वो सिर्फ तब बोल सकते हैं जब ऑड टर्म्स होंगे जैसे दोनों एग्जांपल 9th और 10th उसमें सबने फोकस किया कि n ऑड था यस सर हां बच्चों यस इसलिए 10th करो 11th करो फिर बात करेंगे स्टार्ट विद फुल सीरीज ऑफ द सेम पैटर्न कम ऑन चल पहले वाले का तो हो गया होगा अब तक 10th का क्या आंसर आया भाई 2:10 बिल्कुल सही है किसी को डाउट 10th क्वेश्चन में एनीबॉडी लास्ट टाइम यस सर वो आपके ग्रीन में लिखा था वो सेम क्वेश्चन जिसके ऊपर
वो लास्ट आंसर के ऊपर आपने क्या किया, टू के बाद फिर आंसर डायरेक्ट टू एस्टीमेंट क्या, इसके बाद क्या सर वो ग्रीन वाला है वो एक बार वापस बता दो ना, टू इंटू ट्वेंटी वन सी जीरो क्या आंसर होता है बच्चे हाँ जल्दी बोल साहब बच्चे, या तो तेरा नेट कनेक्शन सही कर या तू पता नहीं क्या कर रहा है। टू रेस्ट पर ट्वेंटी वन बाय टू कितना होगा, टू रेस्ट पर ट्वेंटी तो होगा, इसमें क्या बताऊं मैं, या तो तू क्वेश्चन ही नहीं देख रहा, ये पूछा गया है। अच्छा सर हाँ समझ गया, सॉरी सर नहीं कहाँ खो गया। अब 11th आगे बढ़, 10th का टाइम निकल गया है, ऑल ऑफ यू शुड बी ऑन 11th नाउ। Yes, did you start with the complete series of every term present in plus or something else? Kisse start kiya, chalo ye batao mujhe ab. Tumne soch liya hoga. Alternating. Start with what? Ek bhi ko acha confidently bol sakta hai to acha rahega yaar. Anybody? Sir, alternating. Haan, alternating till pehla positive tha. Haan, pehla term positive, fir alternate kahan tak? Half term ya puri series likho? Full series. Full series. Puri series likho. बीच का टर्म जरूर लिखो, बीच के टर्म्स क्या होंगे 16 सी 8, बट वो अकेला होगा इसलिए मैं उसके पास वाले भी लिखूंगा, माइनस 16 सी 7 प्लस 16 सी 8 माइनस 16 सी 9 एंड सो ऑन, माइनस 16 सी 15 प्लस 16 सी 16, सही लिखा है ना बच्चों? यस सर, यस सर। इस पूरी सीरीज का आंसर कितना है? जीरो, जीरो प्लस जीरो। चलो अब आगे बढ़ो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। करेक्ट है कृषि, पूर्णा, विनायक, सानिका चेक करो, पार्थ, मिस्टेक, सिली मिस्टेक। नो ध्रुवा, फ्लिपिंग लगा, और देखो सिर्फ कहां तक चाहिए पहले वो तो देख लो, तुम्हें 16 सी 8 तक ही चाहिए, 16 सी 0 और प्लस 16 सी 8 तक चाहिए, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तन्मय करेक्ट, 30 सेकंड्स और है बस, 30 सेकंड्स फिर डिस्कस होगा। चल देख रहे हैं आप, स्नेहिल करेक्ट, रुद्रा, श्रेया मिस्टेक। यस बच्चों जिनका नहीं हुआ उनको बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करना है मेरे साथ, दिस इज सेम एज दिस, बिल्कुल ओके, दिस इज सेम एज दिस। लास्ट फ्लिपिंग किस लगी करती बोलो, 16C7 और 16C9, 16C8 के लिए कोई फ्लिपिंग का टर्म है क्या? लेफ्ट साइड में डबल लिखूंगा, जितना पूछना उतना बोलो, लेफ्ट साइड में अब मैं डबल लिखूंगा
तो कहां से स्टार्ट होगा और कहां पे एंड होगा डबल वाली सीरीज? तो 16 सी 0 0 से शुरू होगा और 16 सी 7 बिल्कुल सही 16 सी 7 तक जाएगा एंड होगा 16 सी 8 वाले टर्म को ब्रैकेट के बाहर रखूं ना? यस यस अब इतने भी एडजस्टमेंट नहीं आता है तो फिर तो यही क्लियर नहीं करोगे फिर तो मलाइक हो 16 सी 7 का डबल इज माइनस 16 सी 8 ऑब्वियसली फिर 2 को डिवाइड कर दूंगा मैं 16 सी 0 माइनस 16 सी 1 अप टू माइनस 16 सी 7 इज माइनस 16 सी 8 बाय 2 इज दिस द फाइनल आंसर या कुछ एडजस्ट करना है अभी प्लस 16 सी 8 16 सी 8 को ऐड करना है क्योंकि पूछा गया आपको 16 सी 8 तक तो प्लस 16 सी 8 दोनों तरफ कर दो सो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ गया 16 सी 8 बाय 2 प्लस में क्लियर अलैकुम यस 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 तो वो अब समझ गए स्टार्ट विद फुल सीरीज ऑफ द सेम पैटर्न गॉट इट ना यस सर यस सर 5 सेकंड्स कॉपी फास्ट those who are slow and those who haven't done okay I think done sumit thappad yaar ek ek beech mein ek ek hai na ullu ban ke to aa hi jata hai alternate plus minus wali series ka answer 0 hota hai sumit chalo next question 1 upon 1 factorial 14 factorial plus 1 upon yaad hai denominator mein aise factorial aate hain to kya sikhaya tha maine yaad aaya kisi ko yes yes ncr chalo chalo bolna nahi maine kya bola kabhi puch nahi raha hu मैं जब पूछता हूँ तब तुम्हें पता होता है अभी तो मैं बस याद करने के लिए रिमाइंड कराना था करो ये जल्दी से ये तो हो जाना चाहिए करेक्ट कुशल इतना ही जल्दी दूसरों का भी एक्सपेक्टेड था बट आया नहीं है अभी तक जो बच्चे नालायक भूल गए उनको रिमाइंड करा देता हूं अगर ऐसे फैक्टोरियल होते हैं तो इन दोनों का सम का फैक्टोरियल हमें ऊपर चाहिए इन दोनों का सम 6 है सो हम न्यूमरेटर में 6 फैक्टोरियल क्रिएट करेंगे क्यों करेंगे ताकि ये एनसीआर में कन्वर्ट हो जाता है अब तो याद आ गया होगा आई होप अच्छा कुशल की मिस्टेक है वेरी गुड पूर्णा का सही है परफेक्ट यश की सिली मिस्टेक हो गई है सर विनायक सानिध्य करेक्ट सार्थक करेक्ट स्नेहिल करेक्ट गुड 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 बाकी कहाँ है दूसरे बच्चे आयुष आज है नहीं क्या अनुषा तेरा भी आंसर आजकल बिल्कुल नहीं आता है अनुषा का भी आ गया चलो गुड अंश गुड पार्थ अमेन अलग ध्यान से चेक कर ओके देखो इधर किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं फटाफट बोलो यार अब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड 15 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल यहां पे ऊपर आ गया इमेजिन कर लो तो कह रहा है इसे 15 सी 1 डायरेक्टली लिख लो चलेगा सबको यस
दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा बताओ फिर 15C3 इतना दो टर्म लिख के चमक जाना चाहिए. अच्छा ये तो ऑड सीरीज है करेक्ट और नॉट? यस बस yes. देख ले पूरी कंप्लीट है क्या. हाँ भाई कंप्लीट है. तो क्या आंसर है इसका 2:14 और डिनोमिनेटर में भूलना मत 15 फैक्टोरियल एज इट इज. सो दिस इज योर आंसर. चले आगे. यस यस एक्सक्यूज मी सर. यस सर. हां बच्चे सर क्वेश्चन क्या था? मैं अभी के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था. क्या वापस बोल सर. ये 12th क्वेश्चन कौन सा था? मैं थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था. तो 12th क्वेश्चन का क्या करूं? 12th क्वेश्चन कौन सा है? क्या बोल रहा है यार तू? यार सच्ची में डिस्कनेक्ट हो गया था. उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को. ढंग से सर जो रेड में लिखा है वो है 12th क्वेश्चन. 12th उसके आगे लिखा है तो वही होगा ना. और क्या बोल रहा है यार बच्चे? यार क्या कॉमन सच्ची में अलग अलग 13. अब उसको उसके फोकस मत कर. इधर देख बच्चे दिया यहाँ पे ध्यान दे. अब नए कंसेप्ट पे उसके लिए सिर्फ 3 लाइन छोड़ दे. Okay, अब ये कोई हेडिंग नहीं है बच्चों, ये तो मैं लिखा रहा हूँ बस, है ना. हेडिंग भी नहीं है. कुछ क्वेश्चंस है उनको अब से हमेशा मैं बोलूंगा कि रिवर्स एक्सपांशन का क्वेश्चन है तो तुम्हें याद आ जाना चाहिए, इसलिए लिखा है मैंने. तो सी अलोंग विथ मी. एक्स प्लस ए रेस्ट पर एन का एक्सपांशन क्या होता है बोलो? n c 0 into x की power n minus 1 into a की power 1 plus n c 1 into x की power n minus 1 into a की power 1 n c r x to the power n minus r a to the power r a की power r where r varies from 0 to n correct? Yes. Yes, sir. तो कैन आई से दिस इज द नॉर्मल एक्सपांशन ना? यस सर. यस सर. जिसमें हम एक्स को क्या बोलते हैं याद है? फर्स्ट वेरिएबल बोलते हैं. यू रिमेम्बर? यस सर. यस सर. और ए को मैं सेकंड वेरिएबल बोलता हूं. हमेशा मैंने ये बोला कि सेकंड वेरिएबल पे पावर आर आती है और फर्स्ट वेरिएबल पे डिफरेंस आता है. यू गॉट दैट? यू रिमेम्बर दैट? यस सर. यस सर. कम ऑन गेस कर लो इसका रिवर्स को क्या बोलूंगा आपसे मैं. कम ऑन. रिवर्स एक्सपांशन में क्या फोकस करोगे? देखो एनसीआर होगा तो ये जो पावर आर है वही पावर जिस पे आ रही है वो कौन सा वेरिएबल हो जाएगा तुम्हारा? सेकंड वेरिएबल. जिस पे डिफरेंस आ रहा होगा वो कौन हो जाएगा तुम्हारा? फर्स्ट वेरिएबल. फिर जो ये पावर एन होती है ये इसके कारण आती है या इसके कारण आती है? किसके कारण? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड. हाँ वेरी गुड. सेकंड के कारण आती है, फर्स्ट के कारण नहीं. फर्स्ट तो सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा है. कम ऑन एग्री करो. यस सर. यस सर. यस सर. यस नो. ये तो NC0 या NC2 या 62 या 64 है तो वही n डिटरमाइन करेगा ऑब्वियसली. सो नेवर गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे अगर n माइनस 1 है और यहाँ पे n है तो तुम्हारा एक्सपांशन की पावर तो n आएगी. इज दैट क्लियर? यस सर. चलो मेरे साथ एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फिर तुम ही करोगे ऑब्वियसली. ओके. समेशन आर इक्वल टू 0 से 10 10 सी आर इंटू 2 की पावर आर. क्या आंसर है? चिल्ला के खुद ही बोलो. 2 की पावर 10. अरे यार गधे यार, इनको एकदम से छोड़ देता हूँ कि चलो खुद ही बोलो और फिर गधा पंती करते हो. ये आर इस पे है तो ये 2 कौन सा वेरिएबल है? लाउड वॉइस. सेकंड वेरिएबल. 9 और कहीं भी तुम्हें डिफरेंस दिखा है तो जितना पूछो उतना बोला. अब चुप रहे यार बच्चों. यार ये क्या कॉमन सेंस तुम्हें कम है क्या? मैंने जब तुमसे पूछा कि खुद से जो बोलना है आंसर बोलो तब गलत बोला. फिर मैं अभी एक एक जो मैं तुमसे इंटरेक्ट करा के एक एक चीज पूछ रहा हूँ तो फिर पूरा गधों की तरह दूसरी चीजें क्यों बोल रहे हो? अब जितना पूछ रहा हूँ सिर्फ उतना बोलो. हाँ 2 इज द सेकंड वेरिएबल. कहीं भी अब तुम्हें डिफरेंस दिख रही है क्या? 10 माइनस आर कहीं दिख रहा है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. So that means first variable कौन है? Guess करो. One. And obviously one. कभी भी power difference नहीं दिखे या power R नहीं दिखे तो assume कर लेना कि वो first या second variable जो भी है वो one हो जाएगा. तो can I say सबको clear हो गया कि first variable is one and second variable is two? यहाँ तक सबको clear? Yes,
यस 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 और पावर क्या आएगी 10 yes. यहां पे तो 10 तो आंसर इज 3 की पावर 10 क्लियर है नालायकों यस सर यस सर चलो एक और मेरे साथ खुला छोड़ रहा हूं तुम्हें और जल्दी से बस आंसर पूछूंगा तो रेडी रहना जीरो से लेट से फालतू का उल्लू बन जाओगे 15 ठीक है पांच सेकंड के पहले कोई आंसर चिल्लाएगा नहीं पांच सेकंड के बाद चिल्लाओगे पांच सेकंड के बाद थोड़ा सा उल्लू बनाया बनोगे तो नहीं ना इसके कारण उल्लू तो नहीं बनोगे नहीं। चलो चिल्लाओ किसका एक्सपांशन है किसका एक्सपांशन टू पावर 15 टू पावर 15 मुझे फर्स्ट वेरिएबल प्लस सेकंड वेरिएबल रेज टू पावर बोलो 5 माइनस 3 रेज टू पावर 15 15 बिल्कुल सही आंसर वेरी गुड किसी को डाउट है क्या नो सर नो सर कॉपी करो फटाफट कॉपी कर लो कोई डाउट अदरवाइज टर्निंग नेक्स्ट पेज आफ्टर 5 सेकंड एनी डाउट नो सर नो सर नो सो कैन आई टर्न नाउ Yes, sir. Okay, changing page now. बिल्कुल सही सार्थक आगे बढ़ यस इसको एडजस्ट कर लिया ना यस सर अच्छा सार्थक की सिली मिस्टेक होगी पार्थ का सही है गुड 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 सार्थक की सिली मिस्टेक पार्थ का करेक्ट है और 15 वैष्णव की मिस्टेक है जीरो से 12 सी आर इंटू 1/3 की पार आर और ये 5 की पार आर माइनस 12 को मैं 5 की पार 12 माइनस आर कर सकता हूँ ना नालायकों
यस सर। तो बीच में माइनस क्यों आ रहा है, माइनस क्यों रख रहे हो? ये फर्स्ट वेरिएबल है और ये सेकंड वेरिएबल है। इट इज सिंपली 1/5 प्लस 1/3 की पावर 12 का एक्सपेंशन। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? यस सर। यस सर। यस सर। 8/15 रेज टू पावर 12 16 में 5 और 4 जानबूझ के लिखा है क्या? वापस बोल क्या बोल रहा है? 16 में 4 और 5 जानबूझ के है क्या? हाँ जानबूझ। वैष्णव कुशल मिस्टेक क्यों हो गई थी भाई, क्या गलती करी? वही नेगेटिव ले ली हमने। मैंने 5 को 1/5 नहीं लिखा था। ध्यान रखा कर यार, ऐसे मत कर। पार्थ ने कुछ बोला था, सबने फोकस किया ना ये 4 और 5? यस सर। यस सर। गलती मत करा करो यार, थोड़ा ध्यान से करो। आयुष मिस्टेक है। हमें ये दो नालायक बोलने के बाद भी सुनते नहीं है हमें। रॉन्ग कुशल, ये एक और गधा। तुम सब सब अच्छे, थोड़े मोटिवेटेड तो हो लेकिन सच्चे में बहुत केयरलेस हो। थोड़ा भी ट्विस्ट मारते हैं सबसे पहले उल्लू बनते हो। सिर्फ पूर्णा का अभी तक सही आंसर आया। जैसे अनुषा वाज वेरी क्लोज बट वैसी मतलब गधापंती मिस्टेक है। तो यस इज करेक्ट। सार्थक वाज क्लोज, गधापंती मिस्टेक। गौरव नालायक, तपस्या नालायक, अमन महान नालायक। स्वरा नालायक, सानिध्य बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। अहमद बिल्कुल करेक्ट हो जाता, 6 की पावर 4 कैसे हो गया? कबड़े ये ध्यान से सुनता नहीं है। आयुष मिश्रा मिस्टेक, निरंजनी वेरी गुड, अनुषा वेरी गुड। समझाऊं? अच्छा फिर 17 भी निपटा दो यार, 17 भी कर दो, फिर मैं 17 भी डिस्कस कर रहा हूँ। टैप 17 आल्सो बच्चों। ध्रुवा करेक्ट, सेवनटीन को निपटाओ पहले। पता है कितने जने जो 16 में गलती कर रहे हैं, अगर तुमने इसका एक्सपांशन लिखा होता ना तो तुम करेक्ट कर देते। 17 निपटाओ जल्दी से, फिर 16 को देखते हैं। अरे पार्थ इतना बोल रहा है, इतना लिख रहा है, ऐसा अच्छा आंसर वापस लिख देता तो। यूज योर कॉमन सेंस। ये ऊपर नीचे तेरा आंसर मिस हो गया होगा मुझसे, तो वापस लिख देता, इतना लिख रहा है उसकी जगह। रॉन्ग पार्थ। पूर्णा नीचे वाले का ओके, विनायक ओके, हर्ष गौरव नो, तन्मय ओके, नीचे वाले का। 17 सब जने निपटा दो जल्दी से। करेक्ट सनी का 17 नॉट 16। अनुषा एक मिस्टेक तो कसम खा रही करेगी करेगी। सार्थक बिल्कुल सही है बच्चे, 16 का। गुरुदेव 17 सही है। प्रतिष्ठा 17 में सिली मिस्टेक। यश गुड, तन्मय ओके, सोरा मिस्टेक ओके। 17 फिर 16 भी कर रहा हूँ। 17 मेरे साथ सुनेंगे अब, लिखना बंद, कोई आंसर नहीं लिखेगा।
17th को डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जनरल टर्म के थ्रू भी कर सकते हैं, करेक्ट बच्चों? यस हां ना, बट मैं चाहता हूं कि अब से डायरेक्टली करना भी देखो, जनरल टर्म देखा है तो डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, अगर एक्सपांशन देखा है तो भी डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। तो मैंने देखा कि ये 2 है, ये 2 है, मतलब सेकंड वेरिएबल 1/3 हो गया, सही बोला क्या मैंने? यस सर। Everybody, second variable 1/3 है? नहीं, गलत बोला है। नहीं, गलत है, गलत है। Second variable is -1/3. Come on. Alternate plus minus तो तभी आएगा ना, जब second variable में minus होता है। Come on. Yes, sir. तुम खुद बताओ, second variable में negative आता है, तभी तो alternate plus minus आता है बच्चों? Yes or no? Yes, sir. तो देखो क्या डायरेक्टली करते हैं ना, तो हम इसको देख के उल्लू बन जाते हैं, बट अब से प्लस माइनस देख के ध्यान रखोगे ना एवरीवन? यस सर। और कहीं भी डिफरेंस नहीं है, मतलब फर्स्ट वेरिएबल कौन है? वन। तो किसका एक्सपांशन हो गया? 1 - 1/3 की पावर n, तो जो 4/3 दे रहे थे वो नालायक, ध्यान से देखो, अगली बार मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ये। ऑल्टरनेट प्लस माइनस मतलब सेकंड वेरिएबल में नेगेटिव होगा, क्लियर एवरीवन? यस अंडरस्टूड सर। ओके, अब 16 तो देखो एक बार ध्यान से, जीरो से रखा मैं, डायरेक्ट एक्सपांशन बहुत आराम से कर सकता हूं, बट तभी करूंगा जब लिमिट्स प्रॉपर है। बताओ लिमिट स्टार्टिंग प्रॉपर है क्या? यू टेल मी। यस यस जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना अच्छी तरह लाउडली इंटरेक्ट करो, स्टार्टिंग प्रॉपर है ना? यस सर। अच्छा, एंडिंग प्रॉपर है क्या? नो सर। तो फिर डायरेक्टली रिवर्स एक्सपांशन नहीं करोगे, क्लियर यहाँ तक? यस। तो फिर एक्सपांड करके टर्म देखो एक बार क्या है, 5c0 × 5 की पावर 0, 5c1 × 5 की पावर 1, ओके, और फिर कहाँ तक है? 5c4 × 5 की पावर 4। तो सब बच्चों को क्लिक हो गया होगा, मैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करता हूँ, ऐड एंड सबट्रैक्ट से ना? यस हां सर। यस 5c5 × 5 की पावर 5। अब कहना इसे ये तो रिवर्स एक्सपेंशन है। यस यस सर। यस सर। ओके, जितना पूछो उतना फटाफट, हु इज द फर्स्ट वेरिएबल? देखो 1, फर्स्ट वेरिएबल 1, हु इज द सेकंड वेरिएबल? 5। और n कितना है? 5। और माइनस दिस टर्म आएगा 5 की पावर 5, करेक्ट ना बच्चों? यस सर। यस यस सर। आंसर इज 6 की पावर 5 - 5 की पावर 5। अच्छी तरह कॉपी करो। तो मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन के बारे में, कभी भी कंप्लीट सीरीज नहीं हुई, मैं सबसे चाहता हूँ कि ऐड और सब्ट्रैक्ट इस तरीके से करोगे, डायरेक्ट दिमाग में करते हो तो गलतियां करते हो। तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली ये लिखने की कोशिश करते हैं, फिर महानालायकपंती मिस्टेक्स करते हैं। एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लो, 10-15 क्वेश्चन के बाद भली कर लेना, तब तुम्हारी हैबिट हो जाएगी। किसी को डाउट दे कैन आस्क नाउ। नो डाउट सर। Can I turn the page? Yes, sir. Sure, sir. 18th, r equal to 0 se n, minus 1 ki power r into ncr into 2/3 ki power r. Chal, pehle itna hi karo, kyunki maine har saal dekha, bachche ka 19th question to do, main agar directly do, तो नहीं कर पाते हैं, बट 18th क्वेश्चन दे दूं उसके बाद कर पाते हैं। तो लेट्स ट्राई हियर आल्सो, देखते हैं। पावर आंसर n के टर्म्स में होता है, r के टर्म्स में नहीं। सार्थक करेक्ट, विनायक करेक्ट। 18 तो तुम्हें पता है लल्लू क्वेश्चन है, उसका कोई सेंस नहीं है देने का। यस और नो?
बट क्यों दिया है? मैंने बोल दिया था 19th की हेल्प के लिए दिया है, तो 18th का तो आंसर मैं लिख रहा हूँ, एक भी जने को डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को हिट हुआ है? डोंट टेल मी क्या करना है, बट हिट हुआ है? यस सर। ओके ओके कंटिन्यू देन। सर उसको एन ले सकते हैं क्या अंदर को? कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं। एटीन क्वेश्चन के बाद दैट इज इनफ हिंट। कुछ ना लायक खाली बैठे होंगे तो उनको नेक्स्ट हिंट कि सबको स्प्लिट करो, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दैट इज द लास्ट हिंट। यश साइन वाइन चेक कर, ऑलमोस्ट क्लोज है तू। मेरे लिए छोड़ रहा है क्या? हर्ष कुमार नालायक, सिंपलीफाई कर। तन्मय बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। ओके हर्ष कर कर। चलो इनफ टाइम, जिनका नहीं हुआ मेरे साथ देखेंगे। सी ऑन द स्क्रीन,
समेशन माइनस वन की पावर एन सी आर इंटू टू बाय थ्री की पावर आर, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया। फिर सेकेंड टर्म प्लस 8 बाय 9 इंटू ऑल दिस, तो समेशन माइनस वन की पावर आर इंटू एन सी आर इंटू 8 बाय 9 की पावर आर। थर्ड टर्म ये वाला प्लस समेशन माइनस वन की पावर आर इंटू एन सी आर, क्या ये स्टेप सबको ओके है एवरीवन? यस यस। और इसके बाद तो यार कोई चैलेंज ही नहीं है क्वेश्चन में, बहुत फटाफट कर लोगे। यस, सेकंड वेरिएबल इज 2 by 3 1 minus 2 by 3 की पावर n plus 1 minus 8 by 9 की पावर n plus 1 minus 26 by 27 की पावर n and so on till infinity so this is 1 by 3 की पावर n plus 1 by 9 की पावर n plus 1 by 27। तो ये तो इनफाइनाइट जीपी हो गई है भाई, इसका फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन रेशियो भी यही है a upon 1 minus r, so 1 upon 3 की पावर n minus 1 is the final answer. टॉपिक नालायक हर्ष कुमार। सिर्फ स्प्लिट करना था बस। यस, किसी को डाउट यहाँ तक? एनीबॉडी? सर सेकंड लास्ट स्टेप में क्या किया? किसमें? सेकंड लास्ट स्टेप। तू बता क्या किया है फिर? मैं तो नहीं बता रहा, बता बता। अरे जीपी का फॉर्मूला लगाया ना यार, क्या ज्यादा बनती। ओके ओके सर। हो गया सबका कॉपी? यस सर। आई होप हो गया अब तक, तो काफी टाइम दे दिया है। इफ स्टिल टू स्लो थोड़ी सी जगह छोड़ दो, समझ लिया है तुमने काफी। ओके okay, ये बताओ इधर देखो, इधर देखो, समेशन आर इक्वल टू जीरो से एन एन सी आर, इसका क्या आंसर होता है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, क्या आंसर है? एक्सपांशन दिमाग में कर लिया होगा, आई होप सो। यस सर। यस सर। और अच्छा ऐसा कर दू तो एन इंटू एन सी आर, टू रेस टू एन पावर एन प्लस वन, ना ना। अरे बच्चों एन तो बताओ मुझे, वेरिएबल है या कांस्टेंट है? दिमाग लगा के बोलना, कम ऑन। कांस्टेंट। वेरिएबल तो सिर्फ आर है ना? यस सर। तो अगर कोई कांस्टेंट होता है तो समेशन के बाहर निकाल देते हैं, यस और नो? यस सर। आंसर वापस फिर कितना हो गया? टू एन इनटू टू टू द पावर। तो मैं इन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नहीं है तो जस्ट इनसे आगे वाले क्वेश्चन के लिए हिंट दे रहा हूं कि समेशन में हमेशा तुम्हें वेरिएबल्स रखने चाहिए और कांस्टेंट को बाहर निकालते जाना चाहिए। क्लियर? यस सर। यस सर। टी इनटू एनसीआर कर दूं तब तब भी डरोगे क्या? बिल्कुल नहीं सर। नो सर। और ठीक है, तो अब यूज योर नॉलेज टू फाइंड आउट द सी पार्ट। m equal to 0 से year 2020, summation n equal to 0 से m 2020 cm into mcn, दो summation दे दिए, बिल्कुल वही फंडा होता है। एंड वी विल स्टार्ट विथ व्हाट?
आउटर समेशन या इनर समेशन, बस ये बता दो। इनर समेशन में कौन वेरिएबल है, कौन कांस्टेंट है, बाहर निकालते जाओ, सिंपलीफाई करते जाओ। वी विल स्टार्ट विथ इनर समेशन। अब ऑन बिल्कुल अच्छा आंसर निकालना बच्चों, नो मिस्टेक्स। Very good, Puna correct answer, Sarthak correct answer, Anusha wrong, Nishant wrong. Answer किसके terms में आएगा? Outer summation से तुम्हें दिखना चाहिए, M के terms पर आ ही नहीं सकता answer. Path wrong, Harsh wrong. Tanmay correct. चलो इनफ टाइम हो गया होगा अब तक तो। ओके देखो मेरे साथ, इनर समेशन से चालू करेंगे, उसके लिए वेरिएबल कौन है, उनके लिए वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है एन, बाकी सब उसके लिए कांस्टेंट है ना। जस्ट होल्ड ऑन, एक सेकंड रुको। हाँ तो इनर वेरिएबल में n हमारा वेरिएबल है और m कांस्टेंट है, तो ये वाला पूरा कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा ना। यस सर, यस सर। तो समेशन ऑफ m 2020 cm इनटू समेशन n इक्वल टू 0 से m mcn। चलो अच्छी बात है, यहां तक तो आ गए। अगर आप ये थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो हमारे पास समेशन से डरते तो है नहीं, हम इसको एक्सपांड कर देंगे। दिमाग में एक्सपांड करो, क्या है ये MC0 plus MC1 plus up to MCM। अब तो चिल्ला के आंसर बोल दो, कौन है ये 2020 cm into this term is 2 की पावर m। और ये देख के भी खुश हो गए हो ना यार, कम ऑन, रिवर्स एक्सपांशन
ये एम लिमिट जीरो से 2020 पूरी प्रॉपर है. हु इज द फर्स्ट वेरिएबल? वन. हु इज द सेकंड वेरिएबल? टू. रेस टू पार्ट 2020. इतना इजीली आंसर आया. यस सर. कॉपी. यस, थोड़ी फील आ रही है रिवर्स एक्सपेंशन की? यस सर. यस सर. अच्छा सर. यस. प्रैक्टिस शीट करोगे और मजा आएगा. अभी तो टफनेस बहुत बढ़ानी है अभी तो. तो डबल समेशन, ट्रिपल समेशन कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसे ही करना है. बट डबल समेशन को हम इस चैप्टर में अलग से एक बार हैंडल और करेंगे, पूरा टॉपिक लूंगा. जैसे सिंगल समेशन विजुलाइज तो हो जाता है कि वो सब समेशन ऑफ टर्म होता है, डबल समेशन किस तरीके का समेशन होता है वो विजुलाइज करने के लिए अलग से टॉपिक लेंगे. पर उसकी वैल्यू निकालने के लिए वी स्टार्ट विथ इनर समेशन. ओके बच्चों? यस सर. यस. कोई इश्यू किसी को बिफोर आई मूव? नो. जस्ट अ सेकंड. चल, इनफ टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find coefficient of x की पावर n in 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus up to x की पावर n minus 1 by n minus 1 factorial plus x की पावर n by n factorial का होल स्क्वायर. ये क्वेश्चन हम साथ में डिस्कस करेंगे. टू सेव टाइम यू आर गोइंग टू टेल मी. फटाफट कॉपी कर लो एंड देन स्टॉप राइटिंग. रेडी? यस सर. यस सर. यस. चलो स्टॉप राइटिंग ना, लिखना बंद करो. ऐसे क्वेश्चंस में, कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो उसमें हमेशा स्ट्रेटेजी क्या रहती है, या तो सिंपलीफाई करो और फिर कोफिशिएंट पकड़ो. कमा अगर इसको सिंपलीफाई कर दें बहुत ज्यादा हो जाए तो मजा ही आ जाएगा ऑब्वियसली. सिंपलीफाई एंड देन कोफिशिएंट. बट वो इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा. एग्री करो, ये सिंपलीफाई तो किसी भी हाल में नहीं होगा. Yes, yes. है ना? कुछ बच्चों को e की पावर x का एक्सपांशन पता होता है, इन्होंने कैलकुलस थोड़ा पहले से पढ़ रखा है. बट उनके लिए बता दूं, ये e की पावर x नहीं है, वो इनफिनिटी तक जाता है, इसलिए ये e की पावर x नहीं है. जिसको नहीं पता है वो हैप्पी बर्थडे बनाओ. तुम्हें पता होना भी नहीं चाहिए, बट ठीक है, पता है तो उनको बना क्लियर कर दिया. तो सिंप्लीफाई ये तो गायब हो गया. दूसरी अप्रोच मल्टीनोमियल से कर सकते हैं. कमॉन 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 कमॉन. Yes. नॉर्मल में क्या करते हैं, पावर 2 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. याद आया? हाँ सर. तो x की पावर n बनाना है, तो एक तो मैं x की पावर n को 1 दे देता हूँ और फिर इसको 1 दे देता हूँ और बाकी सबको 0 दे देता हूँ. कमॉन, ये एक केस हो गया. देखो. यस सर. यस सर. एक केस ये बना दिया, इसको 1 दे दिया और इसको 1 दे दिया. देखो, x की पावर n बन गया. बन गया ना? यस सर. बाकी सबको 0 दे दिया. यस सर. बट ये ठीक है, ये ऐसे कर सकते हो. बट इट विल टेक टू मच ऑफ अ टाइम एंड रैंडमली थोड़े से केसेस ऐसे विल फील आ रही कि कहीं कोई केस मिस नहीं हो जाए. करेक्ट और नॉट? यस सर. यस. सो तीसरा मेथड यहाँ पे हम बच गए क्योंकि पावर स्क्वायर ही है यार, इसलिए वी आर सेव कि मैं स्क्वायर है. दिस इज लाइक ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख देता हूँ और फिर कोफिशियंट पकड़ना चालू कर देता हूँ. सिंप्लीफाई करने की इच्छा की जगह x की पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर n बाय n फैक्टोरियल इनटू सेम टर्म a इनटू a लिखा है. गॉट इट ना यहां तक? यस सर. यस सर. n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर n बाय n फैक्टोरियल. चलो अब मेरे साथ बताना, इधर देखना. ये सारे टर्म्स इन सारे टर्म से मल्टीप्लाई हो रहे हैं. एग्रीड? Yes, yes, sir. अब देखो, 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से भी हो रहा है, 1 into 1. फिर 1 into x भी हो रहा है, फिर 1 into x square भी हो रहा है, फिर 1 into x की पावर n minus 1 भी हो रहा है, फिर 1 into x की पावर n भी हो रहा है. बट तुम्हें सब में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ किस में इंटरेस्ट है बताओ?
तो कैन आई से 1 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसी में इंटरेस्ट है मैं एवरीवन यस सर यस सर यस और नो बच्चों यस सर यस सर आई होप ध्यान से सुन रहे हो वापस रिपीट किसी भी हाल में नहीं करने वाला हूं मैं इतना ना सो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा x की पावर n से दैट ओनली वी आर इंटरेस्टेड इन तो उसका कोएफिशिएंट कितना आया बता दो भाई मुझे कोएफिशिएंट कम ऑन 1 × n factorial लिख सकता हूं एवरीवन कोएफिशिएंट क्या होता है जो साथ में चिपका हुआ है यही चिपका हुआ है ना हां सर यस सर कैन आई से 1 का काम खत्म हो गया इस 1 का काम खत्म ना यस चलो अब x को पकड़ो बताओ ये x किससे मल्टीप्लाई होगा उसमें इंटरेस्ट है तुम्हें x^(n-1) तो कितना कोएफिशिएंट है चिल्ला के बोलो 1 × n-1 करेक्ट अब कम ऑन एक एक टर्म खुद गेस करो इसका x की पावर n माइनस 2 के साथ क्या होगा 1/(2 factorial)(n-2) कैन आई से ये पैटर्न चलते जाएगा ना यस सर टिल द सेकंड लास्ट टर्म देखो ये वाला होगा पर्पल से कर रहा हूं दिस इनटू दिस एग्री करो अरे यार तो थोड़ी आंखें चौड़ी करके देख लेना यार ये भी मेरे को कलर चूज करवाएगा कदा हाँ ये दिख रहा है अब प्लस 1/(n·1) साउंड्स ओके एवरीवन यस सर यस सर यस सर तो कोएफिशिएंट पकड़ में आ गया है बस अब सिंपलीफाई करना है व्हाट इट नाउ यस सर अच्छा पैटर्न देखो समझ में आया अभी एक क्वेश्चन किया था हमने कम ऑन यस यस सर किससे मल्टीप्लाई डिवाइड n·n·1 तो n·n·1 यहाँ पे n·(1·n-1) यहाँ पे n·(2·n-2) एंड सो ऑन टिल n·(n−1·1) प्लस n·(n·) टू मेंटेन द सिमेट्री यहाँ पे 0 फैक्टोरियल इमेजिन कर सकता हूँ ना जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 1 ही तो होती है सो पहला वाला टर्म कितना हो गया फास्ट 1 अरे जो 1 बोलते हैं ना उनसे तो मैं कुछ एनसी नॉट जो 1 बोलते हैं उनसे तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है सच्चे में यार है मतलब गधे अरे 1 ही वैल्यू है बट मेरे को वैल्यू नहीं चाहिए ये क्या लिखोगे इसको बताओ इसको क्या लिखोगे NC1 तो मैं ये गैस नहीं करना चाहिए था कि मैं इसको 1 नहीं लिखने वाला हूं क्या लिखने वाला हूं NC0 NC2 हां NC2 प्लस अप टू कहां तक है बोलो NC ये पूरे ब्रैकेट वाले की वैल्यू कितनी है 2 क्लियर एवरीवन यस सर यस यस तो ये तीसरा मेथड हमने क्या किया है पहले हमने कोएफिशिएंट पकड़ लिया एंड देन सिंपलीफाई कर लिया तो ये सब मैं क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करता हूँ ये मेरी थॉट्स एंड थिंकिंग बता रहा हूँ तुम्हें कि मैं कभी सिंपलीफाई और फिर कोएफिशिएंट पकड़ूंगा कभी कोएफिशिएंट और सिंपलीफाई कर लिया देखते हैं जो भी लग जाए अब ये चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है वो तो मैं तुम्हें सब फील दिलाता कि क्या क्या थॉट्स आने चाहिए
Okay, I'm scrolling down. Quit out. Last time, quit out. No, sir. Sir. Copy okay, sabka? Sir, ek minute. अच्छा तो अभी तक कौन सा टॉपिक चल रहा है बच्चों क्या चल रहा है सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट समेशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट अब सेम समेशन हमें किस में करना है क्या कहलाएगा ये मल्टीनोमियल चलो मल्टीनोमियल याद ही होगा पावर 10 डिस्ट्रीब्यूट होती है या तो 1 में या x में x स्क्वायर में तो लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा होगा लोएस्ट एक्स का टर्म होगा या कांस्टेंट होगा कांस्टेंट तो उसको मैं ए जीरो लिख रहा हूं बट ए जीरो की वैल्यू एक्चुअली सबको पता है करेक्ट यस सर यस सर हां फिर एक्स का टर्म होगा क्या यस सर होगा हां बिल्कुल होगा यार 109 याद आ गया यस सर यस सर का टर्म ये होगा कम ऑन जल्दी से एग्री करो यस सर यस सर हमें उनकी वैल्यू नहीं चाहिए हमें तो समेशन सबका चाहिए इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो बताओ कब तक लिखूं जल्दी से बताओ टिल वेयर 820 ANX 820 X20 नालायको याद आया यस यस सर कॉन्फिडेंटली बोलो 20 कंफर्टेबल एवरीवन यस यस सर तो अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स तुम्हें होमवर्क के लिए देने वाला हूँ मैं बट एक दो पार्ट हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो यहाँ तक कॉपी कर लो फिर जैसे ही मैं लिखूँ तुम्हें आंसर बताना है इसलिए तो यहाँ तक कॉपी करो क्योंकि तुम कॉपी करोगे तो थोड़ा सोचोगे भी Yes, ready now? Yes. Yes. Sum of all the coefficients. बस मैंने तो यही बोला बस अब तुम इंटरप्रेट करो मैंने क्या पूछा है उसकी वैल्यू क्या है पहले तो मुझे बताओ मैंने क्या पूछा है आंसर नहीं मैंने क्या पूछा है इन टर्म्स ऑफ A0 A1 A0 plus A1 plus A2 plus कहां तक पूछा है मैंने और अब चिल्ला के आंसर बता दो इसका 3 raised to 20 जल्दी से जो नालायक पढ़ते नहीं है तो मैं उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ जो पढ़ते हैं वो बताओ यार कंफर्टेबल यस सर यस सर तो फिर बुलंद आवाज में गधों के लिए बता दो कि एक्स को क्या रखा गया है
कोई डाउट फर्स्ट पार्ट में किसी को? नो सर. नो सर. Isn't it same as binomial का सम? याद आया? Yes sir. देखो अब ये भी फील आ जाएगा. A0 minus A1 plus A2 minus A3 plus A4 till कहाँ तक? Plus A20 तक. बुलंद आवाज में बता दो क्या आंसर आएगा. अच्छा मुझे पहले बताओ x को क्या रखना है? -1. कहाँ पे? यहीं पे रखना है ना? Yes. So 1 -1 प्लस -1 का स्क्वायर की पावर 10. 1 से 1 चला गया, -1 का स्क्वायर, 1 की पावर 10. सो फाइनल आंसर कितना है इसका? 1. नॉट 0. जो गधे सोचते नहीं है बस रटते हैं वो 0 बोलेंगे. एग्रीड? यस सर. चलो इवन सीरीज. ए अब रटना मत, मैं ही होने के बाइनोमियल का सेम रिजल्ट यूज आएगा. A0 प्लस A2 प्लस A4 प्लस अप टू A20. कुछ कबाड़ा मत करना कि 2 की पावर n माइनस 1 या 3 की पावर n माइनस 1, ऐसा नहीं. कैसे आएगा? मैंने क्या टिप दी थी बताओ, याद करो लास्ट क्लास में. वेरी गुड. तो क्या सबको दिख रहा है ये a प्लस b बाई 2 आंसर है इसका? देखो भाई. यस सर. यस सर. ऑन एवरीवन. यस सर. यस सर. सबको दिख गया बच्चों? यस सर. यस सर. तो इसका आंसर हो गया 3 की पावर 20 प्लस 1/2. कोई इशू यहाँ तक? नो सर. पार्ट डी. A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस अप टू A19. सोच लो, 3 सेकंड के बाद चिल्लाएंगे. 5 सेकंड सोच लो. हाँ बोलो. a माइनस b बाय 2. a माइनस b बाय 2. b बाय 2 इस 3 पर 20 माइनस 1/2. करेक्ट बच्चों? यस सर. अच्छा सम का कोफिशिएंट्स कहाँ तक है? 20 तक है. करेक्ट ना? a 20 तक है ना? यस सर. यस सर. और अब मैंने क्या पूछा देखना. a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस अप टू a10. आंसर इन टर्म्स ऑफ a10 आएगा. ये घर पे ट्राई करोगे बट क्या समझ गए हो किसका यूज आएगा यहाँ पे? हाफ सीरीज. यस सर. किसका यूज आएगा? हाँ फ्लिपिंग का यूज आएगा, बट मल्टीनोमियल में फ्लिपिंग लगती नहीं लगती है, तो मैं सोच के आना है फिर मैं बताऊंगा. यस लगती है बट हमेशा नहीं लगती है. कब लगती है, कैसे लगती है, और फिर ये क्वेश्चन तुम्हें करके आना है. गॉट इट एवरीवन? यस सर. ओके सर. बस मैं बता रहा हूँ कि ये सब सोच के आओगे, ठीक है? और क्या दूं तुम्हें? ये दे देते हैं. A0 प्लस A2 तो देखो तुम्हें आता है. A0 माइनस A2 प्लस A4 माइनस A6 प्लस A8 एंड सो ऑन. ये भी नहीं सोच के आना है. हिंट बस ये बोल देता हूं, आयोटा. ये सोच के आना. नेक्स्ट पार्ट. A1 माइनस A3 प्लस A5 माइनस A7 एंड सो ऑन. एंड आयोटा. एंड लास्ट पार्ट. A0 प्लस 4 की साइक्लिसिटी. 8 4 की साइक्लिसिटी तुम सबको पता है, आयोटा डिक्टेट करे. तो ये लास्ट के चार पार्ट सोच के आने हैं. ऑल ऑफ यू ओके? यस सर. यस सर. तो एक पेज की जगह छोड़ देना, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ये, बट तुम सोच के आओगे. अगर ऊपर वाले पार्ट्स भी कॉपी नहीं करें तो लीव स्पेस. अभी कॉपी भी नहीं करना है, लीव स्पेस बस. कोई इश्यू? एनीथिंग यू वांट टू आस्क बिफोर आई कंटिन्यू? लास्ट पार्ट्स के लास्ट सर. एमपीएस के डाउट्स पूछ सकते हैं. थ्री की पार्ट 10, ठीक है? यस सर. कंटिन्यू करूं? आगे बढ़े? यस सर. यस. चलो कौन कौन सी एमपीएस दिए मैंने? 1, 2, 3 3 भी दिया. ये तो कल दी बट सॉल्यूशन नहीं भेजा ना मैंने. नो सर नहीं भेजा. अब 10 मिनट ही है यार, 10 मिनट में. चलो नहीं टॉपिक स्टार्ट तो करते हैं ताकि थोड़ा एक दो क्वेश्चन उसके भी करके आओगे.
नेक्स्ट क्लास जब कल है ना, तो कल डाउट्स लेके आना, कल डाउट्स कंटिन्यू करेंगे. डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स. तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे यूज आएगा वो तो कल की क्लास में ही देख पाएंगे, बट अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ न्यूटन्स लॉ. इसमें यस हर जगह कूद पड़े हैं. न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स डिफरेंशियल लॉ. डिफरेंशियल कंसेप्ट समझ लो, लॉ तो क्या है. ओके इंटरेक्ट विथ मी हियर, जल्दी चालू हो जाओ. कैन यू डू दिस क्वेश्चन, टेल मी फास्ट. कैसे यही होता है ना बच्चों? बट अगर मैं एन की जगह आर दे दूं तो कर पाओगे या थोड़ी हेल्पलेस लो अभी के लिए? मतलब देखो अभी डायरेक्ट सुनो सुनो, तुम्हारा थॉट्स कैसे होना चाहिए, सर ने तो ऐसा नहीं बताया, बट चलो एक्सपांड करके देखते हैं क्या पता हो जाए. करेक्ट? नहीं होगा. एग्री करो, अभी तक नहीं होगा. तो अब इसलिए हम न्यूटन्स डिफरेंशियल का रूल पढ़ रहे हैं. वो बोलता है कि आर इंटू एन सी आर, दिस इज द फॉर्मूला ना, फॉर्मूला का यूज एप्लीकेशन सब करेंगे, बट ये फॉर्मूला का यूज ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए करते हैं, देखते हैं कि उससे फायदा हो रहा है क्या. R into NCR is same as N into N minus 1 CR minus 1. चलो बताओ, ये वाला तो डिस्कार्ड कर दिया. R into NCR, let's apply this. यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों? Yes sir. हाँ, अभी मैंने इसका प्रूफ नहीं बताया, एप्लीकेशन नहीं बताई है, बट कैन आई से कि इसको एक बार यूज करके देख सकते हैं? हाँ सर. Yes sir. N to N minus 1 CR minus 1. बताओ हैप्पी या दुख दर्द? एक्सपेंड करके देख लो. हाँ, खुशियां है या दुख दर्द है बताओ जल्दी से. खुशियां है ना, सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट बचे हैं. ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म में तुम्हें, अब जैसे इसका एक्सपांड कर रहा हूँ देखना, एन माइनस वन सी माइनस वन, एन माइनस वन सी जीरो, एन माइनस वन सी वन, एंड लास्ट में आर को एन रखने से पूरा तो आ रहा है. तो ऑब्वियसली yes. तुम्हें पता है, ये आंसर तो तुम्हें पता है. कमॉन. यस सर. पहला वाला ऑकवर्डनेस, सुन लो एक बार मेरे को बोलने दो. ये पहली वाली ऑकवर्डनेस इसलिए आ गई क्योंकि तुमने ये फॉर्मूला यूज किया और लिमिट्स चेंज नहीं की. तो मैं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि लिमिट चेंज करो, बट मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई ऑकवर्डनेस आ गया तो रिग्रेट मत करना. तुम सबको पता है इसका आंसर कितना है? जीरो. जीरो. क्यों जीरो? छह में से माइनस वन, छह से माइनस वन सिलेक्ट कर सकते हो क्या बच्चा? नहीं सर. बिल्कुल नहीं सर. हमें एग्जिस्ट नहीं करता. इम्पॉसिबल और पॉसिबल? इम्पॉसिबल. और इम्पॉसिबल की नंबर ऑफ वेज को क्या लिखोगे? जीरो ही लिखोगे ना? यस सर. तो कैन आई से ये ऐसे ऑकवर्ड टर्म कभी आ गए तो जीरो लिख दोगे ना उनकी वैल्यू? यस सर. यस सर. तो आंसर क्या आ गया है? एन इंटू व्हाट इज द आंसर? 2 to the power 2 raised to n minus 1 minus 1 n minus 1. जल्दी से ओके कर लो एक बार पूरे सारे स्टेप्स को. चलेगा ना सबको? यस सर. यस सर. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज न्यूटन्स डिफरेंशियल लॉ हेल्प्स अस टू एलिमिनेट आर काइंड ऑफ टर्म्स. एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस सर. हां भाई. यस सर. न्यूटन्स डिफरेंशियल लॉ पढ़ लेंगे तो काम आएगा ना? ऊपर से आर और नीचे से आर कट जाएगा. आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. अब मुझे राइट साइड में एन सी मतलब कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो इन दोनों का सम ऊपर होना चाहिए. करेक्ट ना बच्चों? यस सर. याद आ गया, ये वाला फंडा बोल रहा हूँ मैं. याद आ गया ना? यस सर. यस. तो इन दोनों का सम कितना है? एन है या एन माइनस वन है? सर एन माइनस वन. एन माइनस वन. तो ऊपर मुझे एन माइनस वन का फैक्टोरियल बनाना है, मैंने बना दिया. आर माइनस वन एन माइनस आर.
अब जल्दी से बता दो ये किसका कॉम्बिनेशन है n माइनस वन सी आर चार माइनस वन हो गया प्रूफ सबका यस सर यस सर कॉपी वॉपी अभी नहीं करोगे कॉपी बाद में आज समझने पे फोकस करते हैं चलेगा ना चलेगा सर यस सर तो ये फॉर्मूला सबने कर लिया अब इसको यूज करना सिखा रहा हूं मैं अप्लाइंग न्यूटन्स डिफरेंशियल फॉर्मूला चलो यार आज कोई मजा नहीं आएगा पांच मिनट में ज्यादा हरी अप हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में करेंगे कॉपी कर लो कॉपी कर लो कल एमपीएस 1 2 3 4 4 भी आज भेजूंगा वहां तक के डाउट्स लेके आने हैं बुकलेट भी थोड़ा करोगे तो अच्छा है वैसे तो ठीक है सर अगर हो तो जा सकता हूँ हाँ जिसका हो गया कॉपी वो जा सकता है बाय सर थैंक यू सर बाय बाय क्लास होमवर्क वाला मल्टीनोमियल वाला क्लास होमवर्क क्वेश्चन जरूर करके आना वो मैं रैंडमली पूछूंगा So can you please show the heading again? Okay, quit out. Now you can go.